क्या लाइक डिटेक्टर टेस्ट कराया जा सकता है शशि थरूर का, कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि हमें FBI की रिपोर्ट मिल गई थी, जो हमने कुछ वहाँ पे सैंपल्स भेजे थे उनके एनालिसिस के लिए, उस रिपोर्ट को आने के बाद में हमने एम्स की जो मेडिकल बोर्ड है उस रिपोर्ट को दिया था। एम्स की मेडिकल बोर्ड ने हमें वो रिपोर्ट अपने ओपिनियन के साथ में दी है। उस ओपिनियन के बेसिस पे कुछ चंद सवाल जो है क्लैरिफाई करने आवश्यक हो जाते हैं, तो उन जो जो वो इश्यूज हैं जिनको क्लैरिफाई करना आवश्यक है उसके लिए कुछ लोगों से हमने पूछताछ की है। हो सकता है कुछ अन्य व्यक्तियों से भी हम पूछताछ करेंगे, डॉक्टर से भी हमने कुछ फर्दर इसमें क्लैरिफिकेशन मांगे हैं, तो वो सबको हम जब हमें ये पूरा का पूरा ये सब इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद में हम अपने कंक्लूजन इस केस के अंदर में ड्रॉ करेंगे। मैं जो है ये SIT को करना है, SIT को लगता है कि लाइट डिटेक्टर किसी व्यक्ति का करना है तो वो लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी करेंगे, और उन्हें लगता है कि नहीं करने की आवश्यकता तो वो नहीं करेंगे, पर ये SIT कॉल लेगी, मैं उसके बारे में कह नहीं सकता। पर यह कि जो भी आवश्यक होगा वो अवश्य ही किया जाएगा, क्योंकि जो इश्यूज अब नए मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन के बाद में पैदा हुए हैं उनके ऊपर में उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फाइल पे आनी आवश्यक है, और इसीलिए ये जो है अब कार्रवाई हो रही है। मैं पॉसिबिलिटीज़ में नहीं जाना चाहूँगा। जैसा आपको मालूम है और मैंने बताया भी था कि डेथ जो है अब जो हमारे पास में मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन अवेलेबल है कि ये नेचुरल नहीं है। अगर ये नेचुरल नहीं है तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं, एक है कि एक्सीडेंट है, एक है होमिसाइड है, और तीसरा है सुसाइड है। अब हमें जो अपनी हमने एविडेंस गैदर किया हुआ है और जो डॉक्टर से हमें ओपिनियन मिली है, जो फॉरेंसिक एविडेंस हमारे सामने आया, और जो हम फर्दर क्लैरिफिकेशंस इकट्ठे कर रहे हैं, फर्दर जो तथ्य हम इकट्ठे कर रहे हैं, इन सबको मद्देनजर लेके हम अपना एक कंक्लूजन निकालेंगे और उस हिसाब से हम फिर कार्रवाई करेंगे। मैं ये कहूँगा कि जल्दी